नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। बड़ी खबर प्रयागराज से। रेस्टोरेंट और कोचिंग सेंटर्स में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां आग से सारा सामान भी जलकर राख हो गया है। बता दें आपको, एसी में ब्लास्ट की वजह से ये आग लगी है। सिविल लाइन इलाके की घटना। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या अपडेट इस आगजनी को लेकर, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? घटना सिविल लाइन इलाके के मेहौल चौराहे के पास है, जहां पर रेस्टोरेंट में ऊपरी मंजिल पर रेस्टोरेंट था, वहां पर आग लगी और पास में ही उसी बिल्डिंग में यहां पर एक कोचिंग चलती थी और कोचिंग तक आग फैल गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और फायर ब्रिगेड की 8-6 गाड़ियां यहां पर आई और खुद CFO यहां पर डॉक्टर राजीव कुमार पांडे थे। यहां पर आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। हालांकि तब तक काफी नुकसान हो चुका था और आग से काफी सामान जलकर राख हो गया था और एसी में ब्लास्ट की वजह से आग लगने की घटना हुई है, ऐसी जानकारी दी जा रही है। और सभी जो कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं थे उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो इस तरह से कोई जानकारी नहीं और हादसा होने से चल मिलाकर, लेकिन फिलहाल आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। ओके, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए सर्वेश। और अब खबर बिजनौर से, जहां पर गुलदार दीवार फांद कर घर में घुस गया। गुलदार के दस्तक से लोगों में काफी दहशत फैल गई। सैकड़ों की भीड़ गुलदार को खदेड़ने में पूरी तरीके से जुटी हुई नजर आई। पुलिस और वन विभाग की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। मामला रेहड़ के सादकपुर इलाके का है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली गुलदार की दस्तक से कैसे दहशत का माहौल। एक तरफ ये गुलदार दुबक कर घर के अंदर छत पर बैठा हुआ है, दूसरी तरफ लोगों में गुलदार को लेकर दहशत का माहौल।